और आज हम फिर हम रेडी हैं, फिर से बारिश हो रही है पर हम फिर निकले हैं हमारी ट्रिप पे। सो लेट्स सी आज हम कहाँ स्टॉप करते हैं। सामने है क्लॉक टावर एंड हमारा फर्स्ट स्टॉप है विलियम कैवेंटर्स, बिकॉज इन मैडम को कैवेंटर्स पर ब्रेकफास्ट करना था इसने बोला इसने आप मुझे भी करना है। सो हम लोग जा रहे हैं कैवेंटर्स एंड विल हैव अवर ब्रेकफास्ट। अभी 8:30 हो चुका है, लेट्स गो एंड सी कि हमें वेट करना पड़ेगा और टिकट। दिस प्लेस वॉज सो ब्यूटिफुल, यहाँ फूल ही फूल, फ्लावर्स ही फ्लावर्स थे। और ये हमारा प्यारा सा ब्रेकफास्ट जो हम खाने वाले हैं, बट द एनवायरमेंट वॉज सो नाइस एंड सो ब्यूटिफुल। एंड अभी हम निकलने का सोच रहे थे बट बारिश हो रही है, सो वी विल वेट फॉर अ व्हाइल देन उसके बाद निकलते हैं। सो बारिश थोड़ी कम होने लगी थी पर हम पैदल फिर निकलने लगे। सो आफ्टर 30 मिनट्स वॉक के बाद हम फाइनली पहुंच गए पीस पगोड़ा। ये बहुत ऊंचाई पे था तो हमें बहुत ही पैदल चल के गए हम लोग ऊपर तक, बट जब हम पहुंचे वी आर सो हैप्पी टू सी कि फाइनली हम पहुंच गए दिस ब्यूटीफुल लोकेशन। हम फाइनली रीच्ड पीस पगोड़ा एंड अ बुद्धिस्ट टेम्पल जो यहाँ है, दिस इज द टेम्पल एंड दैट इज पीस पगोड़ा। तो चलो ऊपर चलते हैं। शूज उतारना था यहाँ ऊपर जाने के लिए तो हम लोग नहीं गए बिकॉज बारिश हो रहा था एंड शूज खोल देते तो पूरा भीग जाता। सो हम जस्ट यहीं से एंजॉय किया व्यू। सो हम पहले दिन और आज सेकेंड दिन पीस पकौड़ा तक इतना पैदल चले, कल भी इतना पैदल चले कि हम लोग इतना टायर्ड हो गए थे। तो फाइनली वी बुक्ड अ कैब जो हमको हमारे दूसरे लोकेशंस पे लेके गए। सो यहीं चलते रहे और हम आगे हमारे दूसरे लोकेशन आज का, दैट इज़ घूम मोनेस्ट्री। दिस मोनेस्ट्री वॉज सो ब्यूटिफुल, इतना ही शांत था ये जगह और बहुत ही सुंदर था, इतना साफ सुथरा सुंदर एंड वेदर भी बहुत ही प्लेजेंट था। हम पहुंच गए बतासिया लूप। देखिए अभी इतना फॉग नहीं है यहाँ, सो इतना फॉग नहीं दिख रहा है पर लेटर ऑन इतना फॉग हो गया था, जैसे कि अब देख सकते हैं विजिबिलिटी बहुत ही कम हो गई थी। एंड हमें टॉय ट्रेन भी दिखा और हम इतने खुश हो गए कि हम किसी को भी पकड़ के बोल रहे थे कि भैया हमारा एक वीडियो निकाल दो इसके लिए। एंड दिस वॉज हाउ इट वेंट एंड वी आर सो हैप्पी, हम क्या ही कहें। सो हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है ये रॉक गार्डन और यहाँ वाटरफॉल इतना सुंदर लग रहा था। जब हम उतर रहे थे ऊपर के रास्ते से ये वाटरफॉल देखने में दूर से इतना सुंदर लग रहा था, पास से तो और भी खूबसूरत था। दिन भर के घूमने के बाद हम फाइनली लंच करने पहुंचे होटल महाकालियन रेस्टोरेंट। दिस प्लेस इज़ फेमस फॉर इट्स ऑथेंटिक बंगाली थाली। सो वी ऑर्डर सम चिकन एंड फिश, मेरी बहन ने ऑर्डर किया एंड वी एन्जॉयड आवर लंच अलॉट। शाम को फिर हम थोड़ा घूमने निकले बट हल्की हल्की बारिश हो रही थी सो वी डिडंट डू एनीथिंग। फिर हम रूम में जाके डिनर किया देन वी जस्ट स्लेप्ट। Thank you.
आज के दिन हम बहुत लेट बाहर निकले एंड हम आए दार्जिलिंग जंक्शन में। हमें टॉय ट्रेन तो नहीं मिला बिकॉज वो निकल चुका था, बिकॉज हम इतने लेट आए और शाम का था, वी डोंट फील लाइक घूमना बिकॉज वी आर सो टायर्ड। सो हम यहाँ आए, फ़ोटो वोटो खिंचाए, वी जस्ट एन्जॉयड। हम टॉय ट्रेन घूमे नहीं तो क्या, बट हमने टॉय ट्रेन के साथ फ़ोटो खिंचाई जो हमने अपने पहले वीडियो क्लिप में देखी। हमने वीडियोस बनाए एंड जस्ट फ़ोटो वोटो खिंचा एंड वी एन्जॉयड। आज हमारा लास्ट डे एट दार्जिलिंग और हम सुबह का ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, रोटी एंड सब्जी। हेलो फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट कर लो। तो आज हम लोग जाएंगे, वेदर इज वेरी फॉगी, बाहर ठंडा है एंड यस इट वाज अ ग्रेट स्टे दार्जिलिंग। और यहाँ से हम जाएंगे वापस घर। सो मैं हम आए सिलीगुड़ी मेरे फ्रेंड के घर। मेरी फ्रेंड हालांकि वो नहीं थी, पर मैं अंकल आंटी से मिली, उसके बाद हम थोड़ा शॉपिंग करने के लिए बाहर गए एंड शाम को मेरा ट्रेन था। सो यस फाइनली एंड ऑफ अ वेरी ब्यूटीफुल जर्नी जो मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, साथ मेरी बहन ने भी। और अब समय हो गया है घर जाने का। आई विल मिस दार्जिलिंग एंड आपको भी ज़रूर एक बार दार्जिलिंग आके सारे प्लेसेस विजिट करने चाहिए। सो यस गाइज, होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर थोड़ा भी पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड मैं आऊँगी अगली बार अगले वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय।